जी ब्लॉग में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों मैं सिवान के लिए निकल चुका हूँ। देखिए मैं साइकिल से जा रहा हूँ और यह मेरा साइकिल है जिसका नाम है सिटी बाइक। और यह साइकिल हमारा 2014 से मेरे साथ में है और इसी से मैं सिवान जाता हूँ और फिर सिवान से अपना जो भी काम होता है उसको करके फिर घर चला जाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ बने रहिए और चलते हैं और सिवान में कुछ ऐसा नज़ारा दिखाएंगे, ऐसा जगह के बारे में दिखाएंगे जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, ध्यान नहीं दिए होंगे। तो चलिए आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए और आपको दिखाते हैं आगे का नज़ारा। देखिए दोस्तों ये डॉक्टर सुपर कार एजेंसी है जहाँ पे कार वगैरह सब रिपेयर वगैरह होता है। अगर खराब अगर कार हो गया है तो यहाँ पे रिपेयर कराया जाता है डॉक्टर सुपर कार में। और यह जो डॉक्टर सुपर कार एजेंसी है ये टड़वा में है और यहाँ पे एक डन बॉक्स को स्कूल भी है जो कि आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे। चलिए दोस्तों और भी आगे आप लोगों को बहुत कुछ दिखाने वाले हैं, तब तक आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए और इस IA5G ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि और भी सारे लोग देख सके इस वीडियो को। सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सही बात है दोस्तों, जिंदगी में कोई ठिकाना नहीं है, कब इसका क्या हो जाएगा, कब कौन कहाँ चला जाएगा। इसलिए ज़िंदगी में हंसते खिलखिलाते रहना चाहिए और कभी भी उदास नहीं रहना चाहिए और उदास रहने से कोई समस्या का हल नहीं होता है, उसका संशोधन निकालना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता करने से इंसान का विनाश होता है और चिंतन करने से जो काम का है सोल्यूशन निकलता है। इसलिए आप सभी लोग चिंता ना करें और काम पे ध्यान दीजिए और इधर उधर बातों पर ध्यान नहीं दीजिए, हंसते खिलखिलाते रहिए हमेशा और आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। और भी चलिए आप लोग को बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। के सफर में गुजर जाते हैं जो मसाला, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सही बात है दोस्तों, जो एक पल आज जो समय है वो निकल जाएगा तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। तो हर पल को एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए और बिंदास रहिए, टेंशन नहीं लीजिए। हाँ तो दोस्तों आप लोगों को मेरा सॉन्ग कैसा लग रहा है वो भी आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं टूटा फूटा गा लेता हूँ, उतना गाने नहीं आता है। हाँ तो दोस्तों हम लोग पेट्रोल पंप के पास पहुँच चुके हैं जहाँ पे पेट्रोल वगैरह मिलता है। अगर आप लोग को बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो यहाँ पे आप लोग आसानी से पेट्रोल डलवा सकते हैं और जो मार्केट में रेट है वही रेट लगता है यहाँ पे भी। के पास पहुँच चुके हुए हैं जहाँ पे पंडाल बन रहा है, आप लोग देख सकते हैं बहुत धूमधाम से यहाँ गोपाल फर्मा है। यहाँ पे अगर कुत्ता बिल्ली जो भी कटा रहता है जानवर तो उसका दवा मिलता है, अगर आप लोग को लेना है तो यहाँ पे आप आकर ले सकते हैं गोपाल फर्मा के पास, जो कि सिवान से थोड़ा सा ही पहले पड़ता है। और चलिए दोस्तों आप लोगों को वीडियो बन रही है और भी आप सबों को बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। विद्या भवन स्कूल के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ पे बस वगैरह लगी हुई है और यह देखिए हम लोग का टेम्पल स्टैंड है जो कि गोपाल बोर्ड के पास है। यहाँ से टेम्पल वगैरह मिलता है अमलोरी सरसर और छोटपुर जाने के लिए, और अगर थावे गोपालगंज मीरगंज जाना है तो उसके लिए बस भी मिलती है, आप लोग देख सकते हैं। यह हमारा मुफस्सिल थाना है जो कि गोपालगंज मोड़ के पास पड़ता है और
देखिए यहाँ पे जाम भी लगा हुआ है, मेरे साइकिल में ब्रेक नहीं है। हाँ तो दोस्तों फाइनली हम लोग गोपालगंज मोड़ के पास पहुँच चुके हुए हैं और यहाँ से बस कुछ ही दूरी पे हमारा आराध्य है। चलिए दोस्तों और ये दहा नदी पुल के पास पहुँच चुके हुए हैं और ये एक ठो पुल टूट गया है तो वो पुल बन रहा है, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं और दहा नदी कैसे बहती है वो भी दिखाएंगे आप सभी को। देखिए एक साइड यहाँ पे नया पुल बन रहा है जो कि अंग्रेज के ज़माने में बनाया गया था, वो पुल टूट गया तो फिर सर पुल बन रहा है और ये नया पुल है, इसमें भी कुछ गड़बड़ियाँ आ गई है। और ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये दहा नदी है। तो चलिए दोस्तों अब बहुत ही जल्द अपने इंस्टीट्यूट आराध्य चित्रकला पहुँचने वाले हैं, तब तक आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों सिवान के जेपी चौक के पास पहुंचने वाले हैं, आप लोग देख सकते हैं रोड के साइड में बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह मिल रहा है और यह काली माता जी का मंदिर है। यह है जेपी चौक, बस जेपी चौक से जस्ट बगल में ही है एक रजिस्ट्री कचहरी पड़ता है और रजिस्ट्री कचहरी के बगल में एक मस्जिद है। देखिए आज संडे है इसलिए मार्केट बंद पड़ा हुआ है, ये रजिस्ट्री कचहरी है, यहाँ पे ज़मीन का रजिस्ट्री होता है। और ये देख रहे हैं दोस्तों हम लोग मस्जिद के पास पहुँच चुके हुए हैं और मस्जिद के जस्ट बगल में एसके कंप्यूटर है और उसी के जस्ट अंदर में हम लोग चलते हैं आराध्य चित्रकला में। आप लोग देख रहे हैं दोस्तों ये आराध्य चित्रकला का दीवार है जिस पे लिखा हुआ है आराध्य चित्रकला और पेंटिंग भी बना हुआ है। और चलिए देखते हैं, अरे जा आज तो लग रहा है इंस्टीट्यूट बंद है। ये संजू भैया हैं जो कि डांस एकेडमी चलाते हैं भीम जी के पास, सर का अभी वो वर्क कर रहे हैं, दशहरा कुछ कार्यक्रम मिला है तो वहाँ पे हम जाएंगे चाबी लाने गेट का। जाने वाले हैं जहाँ पे दशहरा को लेकर कार्यक्रम हो रहा है, तो चलिए चलते हैं। उन लोगों का बाइक स्टार्ट हो चुका है और हमारे संजू भैया बाइक को चला रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं वीडियो में। और यह हनुमान मंदिर के पास में हम लोग हैं और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गैस सिलेंडर और सब बनता है और ज्वेलर्स भी यहाँ बनता है, सोना वगैरह सब मिलता है यहाँ पे। अभी हम लोग दोस्तों गली में एंट्री कर चुके हैं जो कि सब्जी मंडी के तरफ जाता है और बहुत जल्द हम लोग पहुँचने वाले हैं उस स्थान पे जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, पेंटिंग हो रहा है, तब तक आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। दोस्तों देखिए हम लोग सिवान के सब्जी मंडी के पास पहुंच चुके हैं और यहीं पे कार्यक्रम हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हम लोग जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ पे तैयारी हो रही है आराध्य चित्रकला के द्वारा हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। ठीक है दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए और भी आगे का कार्यक्रम दिखाते हैं आप लोगों को। हाँ तो दोस्तों आज सप्तमी है और दशहरा के शुभ अवसर पर यह कार्यक्रम हो रहा है जिसमें बैकग्राउंड पेंटिंग होगा और देखिए आप लोग यहाँ पे लड़की भी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे लड़के आए हुए हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए, पेंटिंग को एंजॉय कर रहे हैं सभी लोग। देखिए हम लोग और ये छोटे भाई है जो कि बहुत ही मेहनत कर रहा है और इसी कलाई पे हम लोग पेंटिंग करने वाले हैं और जो कि मतलब मूर्ति के बैकग्राउंड में लगेगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना बच्चा सब इकट्ठा हुआ है। लोग हाय करो, देखिए सभी लोग आपको हाय कर रहे हैं बच्चे सब, आप लोग इस बच्चा सब के लिए आप लोग जरूर कमेंट करें। और देखिए ये आप लोग बहुत जोर शोर से यहाँ पे तैयारी चल रही है दशहरा को लेकर के, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों अभी हम कलर बना रहे हैं और कलर बनाने के बाद इस प्राइस को हम लोग पेंटिंग करने वाले हैं और इसके लिए आप लोग वीडियो बने रहिए और पूरा वीडियो भी देखिए।
हाँ तो दोस्तों, अब फाइनली हम लोग का अगर येलो कलर बन के तैयार हो चुका हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे कलर रखे हुए हैं। हम लोग देख रहे हैं डिब्बा खाली भी हो चुका हुआ दोस्तों, है। हम लोग कलर बन के रेडी हो चुका हुआ है और हम लोग काम करने वाले हैं इस प्लाई बोर्ड पे। तब तक आप लोग वीडियो बने रहिए। देखिए, ये छोटू मेरा भाई है और ये और मैं और एक मेरा दोस्त है जो राज है, वो अभी गया है कुछ कलर लाने के लिए और अभी हम लोग कलर करेंगे प्लाई बोर्ड पे। तब तक आप लोग वीडियो बने रहिए। देखिए आगे। हाँ तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे मेरा छोटू भाई कितने रफ्तार में रोलर चला रहा है और देखिए सब को कर चुका है। और देखिए अब हम लोग का कार्यक्रम आगे तरफ बढ़ चुका है और ये सप्लाई पे पत्थर का हम लोग टेक्सचर दे रहे हैं। और देखिए दोस्तों, आप लोग को बता दें कि यहाँ पे गुफा बन रहा है जो कि सब्जी मंडी में पड़ेगा। अगर आप लोग को हम लोग का कलाकारी देखना है तो आप ज़रूर आइए मंडी में और आराध्य चित्रकला का कलाकारी देखिए। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज हम लोग को बताइए कि हम लोगों का कलाकारी आप सभी को कैसा लग रहा है, तो वो प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि और भी लोग देख सके इस कलाकारी को। और आप लोग वीडियो में बने रहिए और भी पूरा फुल वीडियो देखिए। ऐसा ऐसा कार्यक्रम दोस्तों आराध्य चित्रकला के द्वारा ही कराया जाता है अपने सिवान में, तो आराध्य चित्रकला के लिए तो भाई लाइक तो बनती ही है और कमेंट तो जरूर ही बनती है कि हम लोग सिवान के लिए इतना कुछ कार्यक्रम करते हैं, कराते हैं। अगर आप लोग आराध्य चित्रकला से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं और इसका आप लोग को पता बताते हैं। यह जेपी चौक के पास एक रजिस्ट्री कचहरी है और उसके जस्ट बगल में एक मस्जिद है और मस्जिद के जस्ट बगल में ही है आराध्य चित्रकला पड़ता है जो कि एसके कंप्यूटर के नीचे है। लोग एक बार आइए वहां पे, देखिए घूमिए और बहुत ही इजी तरीका से वहां पे सिखाया जाता है जो कि आप मात्र 6 महीना में ही चित्रकारी करना सीख जाएंगे। यहां पे कार्यक्रम चल रहा है और अभी इनकम्प्लीट काम है और जब काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप लोगों को दिखाएंगे। तो फिर मिलते हैं आप लोगों को, तो अगले बाय बाय।